अपने वतन के साथ अपने नेशन के साथ मोहब्बत इसे हम नेशनलिज्म कहते हैं यूरोप आपको पता है यूरोप इज़ ए कॉन्टिनेंट फाइन तो इसमें जो पहला कंसेप्ट जो है हम पर है दैट इज़ वाट इज़ नेशन नेशन होता क्या है यह हम समझेंगे फ्रॉम अ फ्रेंच फिलासफर जिनका नाम है अर्नेस्ट रेनन उनने एक लेक्चर दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ सरबन में इन 1882 जो कि फिर एक ऐसे की सूरत में पब्लिश हुआ इस ऐसे में उनने क्रिटिसाइज किया जो नेशन सिर्फ यकसा ज़बान यकसा नस्ल यकसा मज़हब या एक यकसा जमीन के खत्ते का नाम नहीं है उनने कहा कि ये जो नेशन होता है ये कलमिनीशन है ये एंड रिज़ल्ट है किन चीज़ों का जो माजी में जो हमने कोशिशें की है इंडोवेयर जो हैं जो हमने कुरबानियाँ दी है जो हमारी अक़दत है उनका हतमी नतीजा ये है कि एक नेशन बनता है इसमें एक हीरोइक पास्ट होता है एक हिरोई माजी होता है इसमें अजीम लोग होते हैं ग्रेट मैन और इसमें एक ग्लोरी का समा होता है एक अजमत का समा होता है जो हीरोइक पास्ट हैं ग्रेट मैन हैं या जो अजमत है ग्लोरी है ये समाजी सरमाया है जिनकी बुनियाद पर एक नेशन का आइडिया वजूद में आता है एक तो होती है माजी की अज़मत अजमतें और होती हैं दूसरे होते हैं कि प्रेजेंट में एक विल होना एक ख्वाहिश होना कुछ अच्छा करने की कुछ बेहतरीन करने की एक बेहतरीन काम करना मजमू तौर पर इकट्ठे यक, होकर यकजा होकर और विश होना कि, कि हम परफॉर्म करेंगे और ज़्यादा ये एसेंशियल कंडीशंस है एक नेशन को बनने के लिए इस तरह उन्होंने कहा कि जो नेशन होता है इज़ ए लार्ज स्केल सोलिडारिटी बड़ी सतह पर सोलिडरिटी यकजहती इसको उन्होंने नेशन का नाम दिया है और इसका जो वजूद है वो पलेब के मानंद है इट मीनस पलेबसाइड क्या होता है किसी जो पॉलिसी होती है कोई प्रपोज़ल होता है जिसको फिर लोगों के पास डायरेक्टली वोट करने के लिए दिया जाता है कि वो इसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं इसको मानते हैं या रद्द करते हैं उसे हम प्लेब प्लेबसाइड कहते हैं ये जो प्रोवेंस होती है इसका जो किसी भी नेस्ट का जो प्रोविंस होता है या इलाका होता है इसके इनहेबिटेंट्स होते हैं इट मीनस इंपॉटेंट कॉन्चुंस किसी भी नेशन के उसके लोग होते हैं रहने वाले होते हैं और अगर किसी को हक होता है कंसल्ट करने का वो वही इनहेबिटेंट्स हैं वही रहने वाले हैं किसी भी कौम के और नेशन जो होता है इसका कभी मकसद नहीं हकीकी मकसद नहीं होता है रियल इंटरेस्ट नहीं होते हैं कि वो हमलावर रहे और किसी पर किसी अलागे पर काबिज़ रहे वहाँ के लोगों के ख़िलाफ़ उनकी ख्वाहिश के खिलाफ और जो वजूद होता है नेशन्स का ये इसको अच्छा करार देता है अरिस्टोटल कहता है कि नेशन का वजूद में होना अच्छी बात है और ये ज़रूरी भी है और इस इसके वजूद इसके वजूद होने से इसकी एग्जिस्टेंस से जो लिबर्टी होती है जो आज़ादी होती है वो गारंटी की जाती है फाइन वे कहते हैं कि अगर या और नेशन्स ना हो इसके बरकस अगर एक ही कानून हो दुनिया में या एक ही मालिक हो दुनिया में तो उस सूरत में जो लिबर्टी है उसको कोई गारंटी नहीं कर सकता इट मीनस कि हम जो आज़ादी है वो महफूज नहीं रहेगी अब हमें देखना है इसके बाद यह था कंसेप्ट ऑफ नेशन इसके बाद हमें देखना है कि हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में इस चीज़ को हमें समझने के लिए हम एक पेंट एक पेंट की बात करेंगे एक प्रिंट की बात करेंगे जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने एक फ्रांसीसी फनकार ने आ, एक सीरीज़ बनाई थी चार प्रिंट्स की जिसमें उनने विजुअलाइज़ किया उनने देखा कि आ, किस तरह से जो आ, उसका जो ड्रीम था किस तरह से दुनिया का निज़ाम किस तरह से होगा फ्यूचर में फाइन जो ये फ्रे, आ, फ्रेंच आर्टिस्ट थे इनका नाम था फैडरिकूरो उन्होंने एटीन एट में इन चार्ज प्रिंट्स पर मुश्तम एक सीरीज़ बनाई जिसमें उन्होंने विजुलाइज़ किया कि दुनिया किस समझ जा रहा है दुनिया कैसा होगा जिसका ख्वाब था कि मुल्क किस तरह के होंगे ये उन मुल्कों को उसने कहा कि ये डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स हैं ये आ, ये जो रिपब्लिक्स हैं ये जमूरी तरज पर है ये जमहूरी और समाजी रिपब्लिक्स हैं डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स इसमें जो पहला है जो आपकी आप देख रहे हैं तो इसमें उन्हें ने ये दिखाया है कि जो जो यूरोप के लोग हैं जो अमेरिका के लोग हैं जो इसमें औरतें और मर्द हैं मुख्तल एजों से जो बिलोंग करते हुए कुछ छोटी उम्र के कुछ बड़ी उम्र के कुछ डिफरेंट सोशल क्लास से कुछ अमीर लोग कुछ गरीब लोग तो ये एक ट्रेन की सूरत में मार्च करते हैं और ये अपनी खराज अक़ीदत पेश करते हैं जो स्टेच ऑफ लिबर्टी है उसको पास हो करते हैं और उसको खराज अकीदत पेश करते हैं तो इस वक्त जो स्टेच ऑफ़ लिबर्टी जो यहाँ पर आप देखते हैं इसको एक फ़ीमेल फिगर की सूरत में बनाया गया है क्योंकि उस दौर में फ्रेंच रोलूशन के दौर में जो लिबर्टी है जो आज़ादी है उसको दिखाया जाता था एज़ फीमेल फिगर ये जो फीमेल फिगर आप देख रहे हैं स्टेज जो आप देख रहे हैं इसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट है इसमें रोशन ख्याली जो डार्क एज के बाद आई तो उसकी टॉर्च इसके एक हाथ में है दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है जो मंशूर है आदमी के हकूक़ का उसके दूसरे हाथ में है और अगर आप फोरग्राउंड में देखेंगे अगर आप सामने देखेंगे तो आप देखेंगे जो आसार हैं जो रिमेंस हैं जो बिखरे हुए रिमेन्स हैं जो एब्सलूट इंस्टीट्यूशन थे जो एब्सलूट इंस्ट्यूश होते हैं इनके माने हैं वो इदारे जिन पर कोई पाबंदी ना हो जो मोनार्की होती है जिन जिन तो में मरकजियत होती है उसमें मिल्ट्राइज फार्म होती है और वो जाबराना होते हैं जो मनार के होते हैं एक तो इनमें मरकजियत ज़्यादा होती है सेंट्रलाइज्ड होते हैं ये इसमें मिलट्राइज होते हैं और ये रिप्रेस होते हैं जाबराना होते हैं इन्हें हम कहते हैं एबसलूटिस्ट ये इदारे इनके जो रिमेन्स हैं वो बिखरे पड़े हैं जो इस शुरू का जो यूरोपियन विजन था जो ये विजन देखता था कि समाज किस तरह से होगा जो एक यूटोपियन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसके इम्कान पूरे होने के इम्कान बहुत कम होते हैं इसे हम कहते हैं यूटोपियन इसमें आप देखोगे जो दुनिया के लोग हैं वो अपने जो इनके डिस्टिंक्ट नेशंस होते हैं इनकी जो अपने जो फ्लैग्स हैं अपने अपने फ्लैग्स हर के इसके पास हैं उनके जो कौमी कपड़े हैं कॉस्ट्यूमस वगैरह हैं तो वो अपने साथ पहने हुए हैं तो दैट रिप्रेजेंटेड द नेशन डिफरेंट नेशंस और इस इस प्रोसेशन को जो ये जा रही है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेन स्टेट ऑफ लिबर्टी के uh, पास तो जो यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड है उनने स्टेचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस किया हुआ है क्योंकि जिस वक्त फेडरल सरू ने ये प्रिंट uh, बनाई तो उस वक्त जो यूनाइट स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड था वो पहले से नेशन बने हुए थे और फ्रांस जो है वो स्टेचू ऑफ़ लिबर्टी के बिल्कुल पारल है क्योंकि जो फ्रांस है उसमें इनकलाब आया था और फ्रांस को इसको डिस्क्राइब किया है विद दियर रिवल्यूशरी ट्राई कलर जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी के पास है इसके बाद जो फ्रांस के बाद हम देखते हैं जर्मनी जिनके जिनका जो तो फ्लैग है दैट इज़ आ ब्लैक रेड एंड ऑफ गोल्डन कलर यहाँ पर दिलचस्प की बात यह है जिस वक़्त सूर ने ये प्रिंट पब्लिश किए तो उस वक़्त जो जर्मन लोग थे वो एक एक मुल्क नहीं बन गए थे एक नेशन नहीं बन गए थे लेकिन ये जो फ्लैग है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो आ, जो आज़ाद ख्याल जो आज़ाद ख्याल लोग थे जो लिबरल लोग थे उनके होप्स कि 1848 के बाद जर्मन नेशन जो है वो वजूद में आएगा जिनमें जो जर्मन स्पीकिंग इलाके हैं वो एक मुल्क की सूरत अख्तियार कर जाएंगे जिनमें एक जमहूरी आयीन होगा इसके बाद जर्मन लोगों के बाद हम देखते हैं कि आश्ट्रिया के लोग हैं किंगडम ऑफ टू सिसिलीज़ है लोम्बाडी है, है पोलैंड इंग्लैंड आयरलैंड हंगरी और रशिया ये मुख्तलिफ नेशन एक ट्रेंड की सूरत में चल रहे हैं और ऊपर अगर हम देखेंगे इस प्रिंट में तो यहाँ पर आप देखेंगे क्राइस्ट uh, वहाँ पर है वहाँ पर कुछ सेंट्स है कुछ एंजल्स हैं वो इस सीन को देख रहे हैं ये आर्टिस्ट ने इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि एक भाईचारा वो दिखाए जो दुनिया के मुख्तलफ़ नेशंस हैं उनमें एक भाईचारा दिखाए इसलिए उसने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है जिस इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि नेशनलिज्म किस तरह से एमर्ज हुआ किस तरह से एक फॉरिचिंग चेंजेस आई जो सियासी और जहनी दुनिया है यूरोप का फाइन और नेशन स्टेट्स किस तरह से ने किस तरह रिप्लेस किया जो हमारे पास मल्टीनेशनल डायनास्टिक डाइनास्टिक अम्पायरस थे खानदानी राज जो चला चल रहा था यूरोप में वो किस तरह से ख़त्म हुआ और नेशन स्टेट्स किस तरह से वजूद में आई और किस तरह से जो कंसेप्ट और प्रैक्टिस है मॉडर्न के वो किस तरह से वजूद में आई किस तरह से एक खास डिफाइन टेरिटरी में एक सोरेन कंट्रोल रहता था लोगों का ये किस तरह से वजूद में आया और किस तरह से जो मेजॉरिटी है सिटीजन्स की वो किस तरह से इन में एक सेंस ऑफ कॉमननेस आ गई एक एक मजमू पहचान बन गई कि उनकी एक शेयर्ड हिस्ट्री है उनका एक डिसेंट है और ये जो कॉमननेस है ये जो यकसानियत है ये ये काफ़ी अरसे से है जिसमें काफ़ी उनने जदजहद की है इनके लीडर्स ने इनके जो आम लोगों ने उन्होंने तो इस नेशन में हमारा जो सब्जेक्ट मैटर ही रहेगा हम फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे किस तरह से नेशन स्टेट बने इंग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे उनकी वजाहत आगे लेक्चरस में आएगी तो यहाँ पर आप दूसरे प्रिंट्स भी जो फाइडर शुरू ये भी आप देख सकते हैं सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच